मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी फॉर द डिले ऑफ द वीडियोस। कुछ टाइम से हमने अपना घर शिफ्ट किया फ्रॉम चंडीगढ़ टू डेरा बसी पंजाब एंड एक दोस्त की वेडिंग अटेंड करी, जिसके कारण हम काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए। सो लेट्स कंटिन्यू आवर केरला सीरीज ऑफ मनार, एंड आज हम पहुँचे हैं मनार में रेवलेट रिजॉर्ट। आज हमें रेवलेट रिजॉर्ट मुन्नार में, रेवलेट लोकेशन इज टू ऑसम विद गुड व्यूज एंड इट्स रियली फुल ऑफ नेचर। होटल रेवलेट रिजॉर्ट मुन्नार हिल स्टेशन में चितपुरम के पास है। रिवर साइड व्यू लोकेशन एंड फ्रंट व्यू ऑफ हिल्स, इट्स वेरी ऑसम गाइस। रेवलेट रिजॉर्ट टू साइड्स में डिवाइडेड है। सेंटर में से एक कॉमन रोड निकलती है जो कि आगे गांव की तरफ जाती है, और राइट साइड पे सड़क के रिसेप्शन एरिया है और लेफ्ट साइड पे विलास हैं। विलास के फ्रंट में रिवर एंड उसके सामने हिल्स हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द रूम्स। प्रॉपर्टी इज ऑसम टू स्पेंड अ गुड टाइम। हमारा होटल में इतना मन लग गया था कि हमारा बाहर जाने का मन ही नहीं था। प्लस लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर लाइक साइकिलिंग, ट्रैकिंग, अ स्पेशल वीडियो इज ऑल्सो कमिंग ऑन ट्रैकिंग गेम्स। सबसे मेन चीज नेचर। जो विला हमें मिला डेट इज प्री बुक्ड। यहाँ पर हर विले का नाम स्पाइसेस के ऊपर रखा हुआ है एंड आवर विला नेम इज जिंजर विला। होटल में हमने टू रूम्स बुक किए हैं फॉर टोटल 5 persons। वन रूम इज अपसाइड एंड सेकंड रूम इज डाउनस्टेयर्स। बेस्ट फीचर जो हमें लगा, एक विला में टू रूम्स हैं, गेट एंट्री इज सेम बट रूम एंट्रीज आर सेपरेट। एवरी सेट ऑफ विला हैज टू रूम्स, वन विद सिटिंग कम डाइन एरिया एंड अनदर वन इज बेडरूम विद बालकनी। बट हमने खाना रेस्टोरेंट में ही खाया, नो रूम सर्विस, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ ही आता है। और रेस्टोरेंट का व्यू एंड वाइब्स बहुत ही अच्छी थी। एंड हियर वी हैव बेडरूम, सेम सेट एज बिलो द स्टेयर्स। नीचे जाने से पहले लेट्स चेक आउट द व्यू ऑफ द रूम। हर जगह धुंधी धुंध एंड वेदर इज चेंजिंग एवरी टाइम ब्यूटीफुली। अब समझ में आया व्हाई केरला इज कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री। गाइस, यहां एक विसल की आवाज बार-बार आ रही थी, दैट वाज विस्लर बर्ड। जैसे-जैसे बारिश का मौसम हो रहा था, बर्ड वाज सिंगिंग लाउडली। यहां एक गाइड बुक में सारे बर्ड्स के बारे में मेंशन था जो सीजन टू सीजन दिखाई देती हैं। चलो गाइस, चलते हैं नीचे की ओर, चेक आउट द अनदर रूम। द सेम वे, द सेम गेट, बस बाहर आते ही थोड़ा लेफ्ट साइड अनदर गेट जो कि हमें ले जाएगा नीचे की ओर। हियर्स द रूम सेम एज द अबव। यहाँ भी सेम सोफा सेट एंड डाइनिंग रूम है एंड अनदर वन इज बेडरूम, सेम एज द बालकनी। बैठकर चाय पीने का अपना ही मजा है विद द व्यू ऑफ द नेचर। चलो गाइस, थोड़ा रिवर साइड की सैर करके आते हैं। साइड में एक विला है जिस गेट से होते हुए सीधा रास्ता नीचे की ओर जाता है। यहाँ रिवर साइड पर बोनफायर, बैम्बू बोटिंग भी अवेलेबल है, और गाइस वॉक करने का तो अपना ही अलग मजा है।
लेट्स गो टू द राइट साइड एरिया ऑफ द होटल जहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, पार्क है और ओपन रेस्टोरेंट भी है। दिस इज द पार्क एरिया जिसमें बच्चों के लिए झूले हैं और रात को होटल की तरफ से नाइट प्रोग्राम्स अरेंज होते हैं लाइक म्यूजिकल गेम्स एंड बॉनफायर। This is restaurant area. Buffet and dining area is also fabulous. और ये है backside open restaurant, which is awesome to enjoy beverages and snacks. वेरी पीसफुल हियर। थोड़ी वॉक और रेस्ट करने के बाद हमने डिनर किया और आफ्टर डिनर होटल स्टाफ ने हमारे लिए बॉनफायर विद म्यूजिक अरेंज किया हुआ था। वॉक विद नाइट व्यू इज ग्रेट कॉम्बिनेशन और पहाड़ों के बीच में तो और मजा आ जाता है। Some glimpses that we have taken. Next video is on track on hills that included in our hotel package and it's a 6 km walking ride, जो कि हम कल सुबह करेंगे
and one hotel guide will be with us and he will tell about the spices in their garden. Till then guys, stay connected, subscribe the channel and like the video. Thank you.